अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। देखती आंखों सुनते कानों को मोहम्मद इरफान की तरफ से सलाम कबूल हो। दोस्तों आज मैं जो आपके लिए रेसिपी लाया हूँ ये बहुत ही जबरदस्त और आसान रेसिपी, इसको बनाना बिल्कुल आसान है। दोस्तों आज मैं बना रहा हूँ सात रंगे सेवियों की पुडिंग। सात रंगे सेवियों की पुडिंग बहुत जबरदस्त बनती है, मैं आपको ओरिजिनल स्टाइल में बताऊंगा। ये बहुत क्विक रेसिपी है, मेहमान आ जाते हैं अपने बच्चों के लिए, मेहमानों के लिए, बड़ों के लिए, सबके लिए बहुत मुफीद है। दोस्तों आप इसको जरूर बनाए, जरूर ट्राई करें, इंशाल्लाह आपको बनाने में भी मजा आएगा, खाने में भी मजा आएगा। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले जिन्होंने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी जल्दी मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वॉच करें और इसे अपने दोस्तों से जरूर शेयर करें। दोस्तों सात रंग की सेवियों की पुडिंग बनाने के लिए जो चीजें मुझे दरकार है वो मैं आपको बता देता हूँ। मेरे पास 1.5 लीटर फुल फैट मिल्क है, 1.5 लीटर। उसके बाद दोस्तों मेरे पास आधा किलो का सात रंग की सेवियों का एक पैकेट है मेरे पास गोल्डन वालों का। उसके बाद दोस्तों मैं चीनी ले रहा हूँ, तकरीबन 1/4 कप चीनी ले रहा हूँ। उसके बाद दोस्तों थोड़ी सी क्रीम मिल्क पैक क्रीम ले रहा हूँ मैं दोस्तों। और उसके बाद दोस्तों ये छोटी इलायची 4 से 5 दाने और बारीक बारीक कटी हुई गिरी है और दोस्तों ये क्रश की हुई गिरी है दोस्तों, ये बारीक वाली। उसके बाद दोस्तों ये मैं इसके अंदर जो चीज डाल रहा हूँ तो ये बनाना कस्टर्ड है मेरे पास और ये बादाम है गार्निश के लिए, ये किशमिश है गार्निश के लिए। दोस्तों चलते हैं अपने चूल्हे की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों एक पैन ले लिया है मैंने, पैन को आग पे चढ़ा दिया है। इसके अंदर मैं अब दूध ऐड करूंगा, फुल फैट मिल्क जो मेरे पास है मैं इसके अंदर ये ऐड करूंगा। तो आप इसको हम कवर करके इसको बॉयल होने तक इसको पकाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अब हमारा दूध बॉयल हो गया है, दूध बॉयल हो गया, इसको मैं उतार कर दूध को थोड़ी देर के लिए रख लूँगा। दोस्तों एक पैन ले लिया मैंने, पैन को मैंने आग पर चढ़ा दिया, सेवियों को मैं इस पैन के अंदर डालकर बगैर घी के मैं थोड़ी देर के लिए सेवियों को भूनूंगा। भूनने से ये एक तो इसकी खुशबू बड़ी ज़बरदस्त आएगी और बहुत अच्छा इनका फ्लेवर लाएगा ये इसके अंदर। ये दोस्तों सेवियाँ मेरे भून गई हैं, अब मैं इनको दूध के अंदर इनको डालूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अब मैं इसी के अंदर सेवियाँ जो मेरे पास हैं, सेवियों को दोस्तों ये याद रहे कि मैंने बगैर घी के भूना है, इसके अंदर मैंने घी ऐड नहीं किया, खाली पतीले के अंदर मैंने इसको भूना है। अब मैं इसके अंदर सेवियाँ डाल दूँगा। दोस्तों इसी पॉइंट पर मैं इसके अंदर ये बनाना कस्टर्ड ऐड कर रहा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसको फौरन हिलाना शुरू कर दूंगा ताकि ये एक जगह पे जम न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अब मैं इसके अंदर इलायची ऐड कर दूंगा, छोटी इलायची 7-8 चम्मच हिलाता रहूँगा। दोस्तों अब इसके अंदर मैं क्रश की हुई गरी डाल दूंगा, थोड़े से बादाम डाल दूंगा, थोड़े से बादाम गार्निश के लिए रखूंगा। उसके बाद दोस्तों ये गिरी बारीक बारीक कटी हुई ये डाल दूंगा। उसके बाद दोस्तों ये किशमिश, चीनी भी दोस्तों डाल देंगे इसी पॉइंट पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट में दोस्तों मैंने ये क्रीम इसके अंदर ऐड करने लगा हूँ। दोस्तों इसको मैं आज बिल्कुल इसकी मैंने स्लो कर दिया, अब इसको कवर करके इसको थोड़ी देर कुक करेंगे उसके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों रंग बिरंगी सेवियों की पुडिंग बनकर तैयार है, आप इसको ज़रूर बनाएं, इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा। दोस्तों आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर किया करें, आप मुझे ज़रूर फॉलो करें, इंशाल्लाह मैं आपके लिए इसी तरह ईजी रेसिपी लेकर हाजिर होता रहूँगा। तो दोस्तों मुझे अगली वीडियो तक दीजिए इजाज़त, देखते रहिए मेरा फूड ट्यूब चैनल। अल्लाह हाफिज़।